मैं बड़ी दर्द दिल से आपसे पूछता हूँ कि जो औरत बन सवर के बाहर निकलती है या जो नौजवान सुबह तैयारी करके महंगा जोड़ा पहन के और बड़ी क्रीमें लगा के और बड़ा अपने आप को तैयार करके बाहर जाता है, तो उसके दिल में ये ख्वाहिश नहीं होती कि लोग मुझे देखें? किस लिए निकला है वो? अगर वो तैयार होके तैयारी करके मर्द या औरत कोई भी बाहर गया तो किस मकसद के लिए? उसके सीने के अंदर ये ख्वाहिश नहीं पैदा कि लोग मुझे देखेंगे? और देखने के लिए उसने ये सारा कुछ किया है? अब इमाम बहकी जो हदीस लाए हैं, हदीस के लफ्जों पे गौर करना आप जो मैं कह रहा हूं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानती है वो शख्स जिसने देखा, और हुजूर फरमाते हैं वो भी लानती है जिसे देखा गया। जिसे देखा गया वो भी मलून है। किसकी बात हो रही है? तो शारीन फरमाते हैं जो तैयारी इसलिए करके गया था कि मुझे देखा जाए, जिसने अपने ऊपर तारी की थी चीजें कि मुझे देखा जाए और मैं बदनजरी का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तो हमें फरमाया था कि तोहमत वाली जगह से भी बच के रहना।